नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। देवरिया के बहुचर्चित माँ विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण संस्था द्वारा संचालित बाल गृह बालिकांड की मुख्य आरोपी गिरिजा त्रिपाठी की उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। हालांकि अभी जमानत आदेश की कॉपी देवरिया न्यायालय को उपलब्ध नहीं हो सकी है। तीन मुकदमों में पहले ही गिरिजा को जमानत मिल चुकी है। 6 अगस्त 2018 से जिला कारागार में गिरिजा त्रिपाठी बंद है। SIT के विवेचना के बाद से गिरिजा की जमानत जिला न्यायालय से खारिज हो गई थी, जिसके बाद गिरिजा की जमानत के लिए उच्च न्यायालय याचिका दायर की गई थी। गिरिजा के अधिवक्ता मोहम्मद जाफरी के अनुसार गुरुवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। हालांकि गिरिजा के पति मोहन की जमानत अर्जी मंजूर नहीं की गई थी। यह खबर दैनिक जागरण में छपी है, उसी के अनुसार आपको बताया जा रहा था। और इसी तरह की खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।